Hello and welcome. As I said, myocytes, the muscle cells are actually three kinds: skeletal muscles, smooth muscle, and cardiac muscle. So today's topic is our skeletal muscle cells, also known as skeletal myocytes. Each single muscle cells has contractile ability due to presence of bunch of myofibrils, muscle fibers, are also known as myofibrils, in the sarcoplasm. Also has lots of mitochondria. Each myofibrils are covered by sarcoplasmic reticulum, as you can see this photo. मतलब आज का जो टॉपिक है, ये जो हड्डी में लगने वाला जो मांसपेशी होता है, इसके अंदर जो रहने वाला जो मांस कोशिका है, ये मायोसाइट क्या होता है कि एक अलग सा मसल कोशिका जो है मायोसाइट, इसके प्रसारण और संकुचन क्षमता रहता है. कैसे? क्योंकि एक एक कोशिका के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर, जिसको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल, ठूसा पड़ा रहते हैं, जो फोटो में देख रहे हो. साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी ठूस ठूस के भरा रहता है. ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है, वो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं, तो आप देख सकते हो. अब एक एक मायोफाइब्रिल, मतलब एक एक मसल फाइबर जो है अलग अलग, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरा हुआ रहता है, जो आप नीचे वाले फोटो में देख रहे हो. नंबर ऑफ द मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल्स, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मसल एंड सेम इनडायरेक्ट मेसोडर्मल ओरिजिन. मतलब एक मांस कोशिका जो है, इस एक कोशिका के अंदर कितने सारे फाइबर रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका जो पूरा मांस पेशी है वो शरीर के किस जगह पर है, कितना बड़ा साइज है और कितना ज्यादा काम करता है. द साइज ऑफ ए सिंगल मायोसाइट, सिंगल मसल सेल, इज 2 to 10 सेंटीमीटर एंड ऑलमोस्ट 100 माइक्रोमीटर थिन, हैज मल्टीपल न्यूक्लियस, एक्चुअली मल्टीपल मायोब्लास्ट फ्यूजेस टुगेदर वाया फ्यूजोजेन टू फॉर्म ए सिंगल मायोसाइट. नाउ व्हाट इज फ्यूजोजेन? These are actually kind of myoblast binding protein. मतलब एक मायोसाइट, इसका आकार होता है 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, और ये 100 माइक्रोमीटर चिकना होता है. इतना चिकना कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है. ठीक है, और इस एक कोशिका के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं. क्या होता है कि दरअसल बहुत सारे मायोब्लास्ट एक साथ मिलके, एक साथ फ्यूज होके एक अकेला मांस कोशिका, मतलब मायोसाइट बनाते हैं. और कुछ चीज होते हैं जिसके जरिए इतने सारे मायोब्लास्ट एक साथ आके जुड़ जाते हैं, तो उस जुड़ने वाली चीज को हम कहते हैं फ्यूजोजेन. ठीक है, और ये फ्यूजोजेन एक्चुअली मायोब्लास्ट को जुड़ने वाला एक तरीके का प्रोटीन है, समझे. ओवरऑल एज मसल ग्रुप हैज मल्टीपल मसल बंडल, एज यू कैन सी दिस फोटो. ईच बंडल ऑफ स्केलेटल मायोसाइट इज प्रोटेक्टेड बाय फेसिकल. ईच मायोफाइब्रिल आर प्रोटेक्टेड बाय एंडोमाइसियम. ऑल द बंडल्स टुगेदर प्रोटेक्टेड बाय पेरिमाइसियम. And the entire muscle group is protected by epimysium. मतलब ये जो आप ऊपर वाले फोटो में देख रहे हो कि पूरा मांस पेशी एक पतला चादर से घिरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं epimysium. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग मसल बंडल रहते हैं. ठीक है, और ये अलग अलग मसल बंडल जो है वो पेरिमाइसियम नाम का एक चादर से घिरा हुआ है. अच्छा, एक एक मसल बंडल के अंदर जितने सारे मसल फाइबर है मायोफाइब्रिल, ये सारे के सारे मायोफाइब्रिल एंडोमाइसियम से घिरा हुआ है. ठीक है, एंडोमाइसियम एक पतला चादर है. ठीक है, अब अलग अलग जो मसल बंडल है वो भी एक चादर से घिरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं फेसाइकल. नाउ ह्यूमन बॉडी हैज 600 ग्रुप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स. नाउ एंडोमाइसियम, पेरिमाइसियम, एपिमाइसियम, दीज आर मेड ऑफ कोलाजन शीथ, बेसिकली टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, एंड टाइप 5 कोलाजन. मसल फाइबर्स आर ऑल्सो 3 टाइप, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B. ऑल दिस थिंग्स विल टॉक अबाउट लेटर, नॉट नाउ. ईच मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ lots and lots of myofilaments, which are actually 2 types, actin and myosin. Again, actin and myosin we'll talk about later.